महाराष्ट्र के वर्धा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर में सो रही एक 7 साल की बच्ची के गले से सांप लिपट गया। बड़ी मुश्किल से सांप को हटाया गया, लेकिन जाते जाते सांप ने बच्ची को काट लिया। घर के लोगों का कहना है कि करीब 1 घंटे तक सांप गले से लिपटा रहा है। बाद में बच्ची को बचाने के लिए सांप पकड़ने वाले की मदद ली गई। दरअसल ये मामला वर्धा जिले की सेलू तालुका के बोरखेड़ी कला का है। खबरों के मुताबिक 7 साल की बच्ची पूर्वा गडकरी अपनी मां के साथ जमीन पर सो रही थी। इसी दौरान वहां देर रात एक सांप कमरे में दाखिल हो गया। इस बीच सांप बच्ची के गले से लिपट गया। बच्ची की आँख खुली तो ये नज़ारा देख उसकी चीख निकल गई। बच्ची के चीखने चिल्लाने पर पास में सोए उसके माता पिता जाग गए और अपने सामने का नज़ारा देख चौंक गए। आवाज़ सुनते ही पड़ोस के लोग घर पहुंच गए और सामने का नज़ारा देखकर वो भी घबरा गए।